Student, we were studying about the sources of energy and in this chapter we study the new source of energy, that is solar energy. So what is the solar energy? The energy we get from the sun. The energy we get from the sun is known as solar energy. जो एनर्जी हमें सन से मिलता है, सूरज से मिलता है, सूर्य से मिलता है, उसको हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। और सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि एक तो हम लोग सोलर कुकर का यूज करते हैं, सोलर वाटर टैंक का यूज करते हैं हीटिंग पर्पज के लिए, और सोलर कुकर का यूज करते हैं फूड कुक करने के लिए। And another use of that solar energy is by using the silicon cell. We can convert solar energy into electrical energy. और हम लोग solar cell के use करते हैं, इससे हम electrical energy में solar energy को convert करते हैं और उससे हमें electricity की supply मिलती है। So now we are going to study about the solar cooker. So this is the structure of solar cooker. This is the outer wooden frame of the solar cooker. This is the outer frame of the solar cooker. And in this frame, it may be meter or bed. So it can be meter or meter. But it can be insulated to the thermopole. और इनर साइड से ये आपका जो सोलर कुकर होता है वो ब्लैकिंग होता है, अंदर से काले रंग की पॉलिश चढ़ी होती है। ओके, ये आपका प्लेन मिरर होता है जो सोलर कुकर के सबसे टॉप पे होता है। एक ग्लास की चीज होती है, उसके अंदर आप फूड को रखते हैं और उसको ढक देते हैं, एक तरह का लीड कह सकते हैं, ढक्कन है। और ये सोलर कुकर का टेंशन यानी बर्तन रखा हुआ है, ये बर्तन भी आपका आउटसाइड से ब्लैक एंड होना चाहिए। ओके, तो अभी क्या करना है कि जब भी हमें इसको यूज में कर लाने हैं तो आपको क्या करना है, एक अटेंशन लेना है जो आउटसाइड से बैठे हो, उसमें आपको अपना फूड रख के सोलर कुकर के अंदर रख देने का एंड उसके बाद उसको ब्लैक प्लेट से कवर करने का। ग्लास प्लेट से जब कवर करेंगे वो ऑलरेडी इसी के साथ ही जैसा है। प्लेन मिरर को हम ओपन करेंगे और एक्स डायरेक्शन में रखेंगे कि जब सनलाइट डायरेक्टली प्लेन मिरर पे आ रही है। अब जब सनलाइट डायरेक्टली प्लेन मिरर पे आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये ग्लास प्लेट के जरिए इनसाइड द सोलर कुकर जाएगी। अभी उधर ब्लैक पॉलिश होता है सोलर कुकर के अंदर जो कि लाइट को 100% एब्जॉर्ब करता है ना, तो वो क्या करता है 9% एब्जॉर्ब होने की वजह से हीट को एब्जॉर्ब करके अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस बॉक्स में रखा हुआ जो फूड होता है वो स्लोली एंड स्लोली कुक होने लगता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सोलर कुकर। और ये जो कुकिंग अटेंसिल होने चाहिए ये बाहर से अगर ब्लैक एंड होगा तो और भी अच्छा है, आपकी कुकिंग अच्छी होगी। तो दियर आर सम लिमिटेशन ऑफ द सोलर कुकर। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन क्या है कि जो फूड आपको कुक करना है ना, तो स्लोली स्लोली जो धीरे धीरे फूड कुक होता है वही इसमें कुक हो सकता है ना। सच एज यू हैव टू कुक द राइस तो यू कैन कुक, लेकिन अगर आपको फ्राई करना है या ब्रेड बनाना है ना, तो उस तरह का काम सोलर कुकर में नहीं होता। अभी सोलर कुकर में क्या है कि जैसे जैसे आपका सन का डायरेक्शन चेंज होगा आपको इसको चेंज भी करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन सन की डायरेक्शन में ले जानी पड़ेगी। और इसकी कुछ लिमिटेशन में और भी है क्या कि ये नाइट टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, रात में इसका यूज़ नहीं हो सकता है,
क्लाउडी स्काई है तो इसका यूज नहीं हो सकता है। और एक तो अभी और बता दें जब सनलाइट जिस डायरेक्शन में जाएगा इसके रिफ्लेक्शन को उसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये जो ग्लास का मिरर होता है रिफ्लेक्शन का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। अभी सोलर कुकर के कुछ फायदे भी हैं, और फायदा क्या है जिसमें हमें कोई विशेष एनर्जी यूज नहीं करना, कोई फ्यूल यूज नहीं करना है, ईंधन का कोई यूज नहीं है, सो इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ना। ये बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें ईंधन या फ्यूल हमें यूज नहीं करना है। और जो इस फूड के अंदर जो इसमें कुक होता है न्यूट्रिएंट, वैसे हम जब भी कुक करते हैं तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हमारे फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन सोलर कुकर से जो फूड कुक करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ऑलरेडी उसके अंदर बने रहते हैं। एंड ये क्या है जो मेन चीज इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीन कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, सबसे बड़ी बात, न तो इससे फ्यूल निकल रहा है, स्मोक नहीं निकल रहा है, और न ही भीड़ इसकी बाहर की तरफ आती है, वो टोटली यूटिलाइज हो जाती है। ओके और भी एक काम है कि आप इसमें भोजन को अपना फूड कर दीजिए, रख के भूल जाइए, और कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है कि वो स्पॉइल होगा या बॉइल होगा, आपका फूड जो है उसके अंदर कुक हो जाएगा। दैट्स ऑल।